بسم الله الرحمن الرحيم. मशरूम सब्जी है, क्या वो हम खा सकते हैं? सब्जियां सारी हलाल होती हैं, सब्जी में कौन सी हराम है भाई? सब्जी में तो कोई चीज हराम नहीं है। हाँ, कोई चीज मुज़िर तो हो सकती है कि उसके खाने से नुकसान हो, ये तो हो सकता है। जैसे मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था, एक उन्होंने तहकीक की है मेडिकल वालों ने, एक यूनिवर्सिटी में बड़ी रिसर्च की है। ये एक खूबी है अंग्रेज में, है बड़ा दादा दुश्मन वो, हमारी तरह बड़े शने नहीं मारता, वो लगा रहता है रिसर्च में, तहकीक करता है। और उन्होंने अच्छा बादों का 10-10 साल 20-20 साल तक वो रिसर्च चलती रहती है। तो बहरहाल उनने रिसर्च की है, वो एक बूटी है यहाँ मिलती है, यानी बूटी नहीं, उसकी शक्ल ऐसे जैसे हमारी गोभी होती है ना, गोभी का फूल होता है, ऐसी शक्ल की होती है। और कोली 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 उसका नाम है। तो उन अब नई तहकीक ये आई है कि ये सब्जी तमाम सब्जियों में सबसे बड़ी अजीब सब्जी है, कि ये बुढ़ापे को भी रोक देती है, फिर जवानी की तरफ लाती है। और आदमी के जितने अदलात हैं, जितने आसाब हैं, उनको बिल्कुल मजबूत कर देती है। अब उस पर रिसर्च की, नतीजा भी आ गया। वैसे मैंने पहले देखा था बाजार में कि यहाँ भी ये मिलती है। एक तो गोभी होती है ना, एक बंद गोभी होती है, एक उसी तरह की जैसे गोभी का फूल है उसी तरह की होती है। उसको अंग्रेजी में तो कूली कहते हैं, पथरी यहाँ क्या कहते हैं अल्लाह वाला, लेकिन आप देखेंगे पता लग जाएगा आपको कि भाई वो बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल फूल की तरह है, लेकिन गोभी नहीं है। उसमें जैसे अल्लाह ने ईवा कादों में और चीज में बड़ी बड़ी ताकत वाली चीज, तो उन्होंने कहा इससे बेहतर दुनिया के अंदर इंसानी कुव्वत के लिए और कोई सब्जी है ही नहीं। ये तो बूढ़े को भी अगर एक महीना खाए तो जवान बना देती है। मैंने कहा भी ठीक है, मैंने भी कहा आज आप दोस्तों से एक पता करो यार, जवान बनने का किसको शौक नहीं होता। वो एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें फरमाए। वो बैठे दोस्तों के साथ, कहने लगे कि भाई ये जवानी ऐसी चीज़ है कि जो जा के ना आए वो जवानी देखी, जो आ के न जाए वो बुढ़ापा देखा, लेकिन ये बदबख्त अगर किसी बाजार में मिलती मैं भी खरीद लेता। तो इसलिए जवानी की तो हर किसी को ख्वाहिश होती है ना। तो बहरहाल, तो आप ख्वाबों से मेरी बेटी बिल्कुल न डरा करें, और सब्जियां सारी हलाल होती हैं, उनमें कोई अल्लाह ने नहीं फरमाया है कि जैसे जानवरों में हलाल हराम है, लेकिन परंदों में हलाल हराम है, सब्जी में नहीं होता। मशरूम मुझे नहीं पता क्या होता है, मेरे ख्याल में मशरूम तो कहते हैं जो बारिश के बाद ज़मीन के अंदर से निकलती है, उसको कहते हैं मशरूम, जिसे आप अपनी उर्दू में खुम्भी भी कहते हैं, वो भी खा सकते हैं, वो हराम नहीं है। लेकिन एक ख्याल किया करें कि कभी कभी वो जहरीली बड़ी होती है, सांप उस पर अपनी दाल डालते हैं, इसलिए उसमें ये एहतियात जरूर किया। लेकिन बहरहाल अब दुनिया बड़ी एडवांस हो गई, अब तो उसके फॉर्म में वो खुद उगाते हैं, उसमें सांप कहां से है। اللهم صل على سيدنا